हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है मेरे चैनल में। और आज मैं कान्हा जी के लिए एक बहुत ही अच्छी सी हैवी पोशाक लेकर आई हूँ। और ये एक नंबर के कान्हा जी के लिए है, पिंक कलर की ड्रेस। तो सबसे पहले हम इसे मेज़रमेंट कर लेंगे। तो मैंने इसे 6x6 का कट कर लिया है और इसे अब मैं 4 फोल्ड में फोल्ड कर दूँगी। यानी पहला फोल्ड करना है, फिर दूसरा फोल्ड करना है, तो ये 4 फोल्डों में आ जाएगा। 4 फोल्ड करके अब आप इसे जो है इस मेजरमेंट को गोल कट करना है। और गोल कट करने के लिए हम इसमें इंच टेप से मेज़रमेंट लेंगे। अब यहाँ पर इंच टेप क्या आएगा, 6x6 का है, तो आपका इंच टेप से नापने पे 3 आना चाहिए, यानी 3 इंच का आना चाहिए। अब यहाँ पर हम निशान लगा देंगे 3-3 इंच, यानी ऊपर का इंच टेप ना करते हुए नीचे का सरकाते हुए हम 3-3 इंच पे इसको मेज़र कर लेंगे। और जब पूरा मेज़रमेंट हो जाएगा तब हम इसे अच्छे से गोल शेप दे करके इसे कट कर लेंगे। फिर मैंने यहाँ पर जो है पूरा 3-3 इंच का जो है निशान लगा लिया है। अब इसी तरह से हम ऊपर भी लेंगे। ऊपर मैंने क्योंकि एक नंबर के कान्हा जी कमर बहुत छोटी सी रखनी है, तो सिर्फ पॉइंट थ्री जो है ले करके, जो 1 इंच से कम होता है, 0.3 ले करके हम इसे इसको भी मेज़रमेंट कर लेंगे। और अब दोनों हमारी गोलाई से कट हो करके हम इसे कट कर लेंगे। तो ये अब जब हमारा कट हो जाएगा, ये देखिए हमारा कट हो गया। और अब हम इसे एक साइड से ओपन कर लेंगे। अगर आपको लगे कुछ भी थोड़ा सा गोल शेप नहीं आ रहा है तो आप इसे थोड़ा सा बराबर कर लें। अब यहाँ पर हम एक साइड से खोल देंगे, किसी भी साइड से 4 फोल्ड बने हैं, किसी भी एक साइड से हम इसे खोल देंगे, जिससे हमें पोशाक पहनाने में आसानी हो। यहाँ पर मैंने कुछ मेरे पास एक ब्रोकेट का कपड़ा रखा हुआ था, इससे मैंने ये एक लेस टाइप की तैयार कर ली है। तो जो है ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इस लेस को कैसे बनाया है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने इसे बनाया है घर पर। इससे हैवी या इसी तरीके की लेस बना सकते हैं। देखिए मैंने 2x2 इंच का एक चौकोर टुकड़ा लिया है और इसको भी ऐसे ही 4 फोल्ड करना है। और बस एक कोने से जिधर बंद साइड है वो हमारा ऊपर रहेगा और जो खुली साइड है वो हमारी नीचे रहेंगी। और ये हम एक कोने से दूसरे कोने में सिल लेंगे। अगर आप मशीन से नहीं सी सकते तो पहले हाथ से इसे कच्चा कर लें और बाद में मशीन चला लें। देखिए हमारी ये लेस लग करके तैयार है। अब इसकी जो खुले साइड था वो मैंने अंदर करा है और वो कट करके मैं निकाल दूँगी। तो इसे मैं पूरा कट कर लूँगी, फिर कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके आगे हम क्या करेंगे। देखिए ये हमारी कट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर एक नेट का कपड़ा लेंगे और ये मैंने लिया है 3 इंच का कपड़ा यहाँ पर। और यहाँ पर इसे मुझे डबल करना था जो कि मैं भूल गई, मुझे मिस हो गया। मैंने यहाँ पे सिंगल ही फ्रिल बना दी है, तो वो भी ख़राब नहीं लग रही, अच्छी लग रही है। और ऐसे कुछ भी नहीं है, आप अगर यहाँ पर डबल लेंगे तो यहाँ पर 6 इंच चौड़ा कपड़ा लें। और वो क्योंकि बाद में वो कट भी होगा
तो यहाँ पर ये ले करके, और ये हमारी फ्रिल जो है अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो ये हमारी फ्रिल बन करके रेडी हो गई है। अब हम इसके ऊपर सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए हम इसे कोने से रखेंगे और पूरा गोलाई में ले जा करके, अगर ये थोड़ी सी बड़ी भी है तो भी ये सेट हो जाएगी। ये ऊपर ले जा करके इसे थोड़ा सा दबा देंगे तो ये हमारी फ्रिल जो है वो सेट हो जाएगी। तो ये हमारी जो फ्रिल है वो सेट हो चुकी है। फ्रिल हमारी सेट हो चुकी है और अब हम इसे साइड से भी, जो हमारा जिधर साइड से हमने खोला था उसको भी हम सेट कर लेंगे, और ये जो हमारी एक्स्ट्रा है इसको पहले तो हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी कट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर एक लेस लगाएंगे जिससे कि हमारी ड्रेस जो है वो थोड़ी सी हैवी भी हो जाए और सुंदर भी लगने लगे। यहाँ पर मैंने एक गोल्डन कलर की लेस ली है। आप कैसी भी चाहें वैसी लेस लगा सकते हैं, कुछ पैचेस लगा सकते हैं, या जैसा भी आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक गोल्डन कलर की लेस ली है और उसे लगा लिया है। और लगाने के बाद अब हम इसमें नेफा सेट करेंगे। कि नेफे के लिए यहाँ पर और ये पट्टी को कट करेंगे। पहले यहाँ पे और ये पट्टी कट करने के लिए मैं 2 इंच पे निशान लगा लूँगी। और ये पट्टी हमेशा तिरछी कट होती है, सीधी नहीं कट होती है, क्योंकि गोल घेर में लगाने के लिए और ये पट्टी का ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारी जो कमर है उसमें झोल ना आए और वो अच्छी बने। इस वजह से और ये पट्टी का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम गले वले में लगाने के लिए और ये पट्टी का इस्तेमाल करते हैं कुर्ती या ब्लाउज के लिए। तो यहाँ पर हमने 2 इंच का निशान लगा लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे और कट करके ये पट्टी अलग कर लेंगे। तो ये हमारी 2 इंच की चौड़ी पट्टी निकल आई। अब इसे हमने जो दोनों साइड के कोने हैं उनको भी हटा देना है, और हटा करके बस हम इसे अपनी हमारी जो हैवी पोशाक, जो हमारी पोशाक है उसमें हम इसको अटैच कर देंगे। तो ये हम जो ये और ये पट्टी जो हमने कट करी है कमर में लगाने के लिए, इसे हम पीछे के साइड से लगाएंगे, यानी उल्टे साइड से हमें लगाना है, और पीछे साइड से लगा करके तब हम इसे आगे साइड में लाना है। तो ये हम ये देखिए, हमारी ये जो कमर की पट्टी है ये हमारी जो है स्टिच हो चुकी है, और इसे मैंने लगा करके इसमें अंदर गोल्डन कलर की डोरी डाल करके इसे अटैच कर लिया है। अब हम इसमें डेकोरेटिंग का काम करेंगे। तो उसको करने से पहले हम अपनी चोली को रेडी करते हैं। तो चलिए चोली देखते हैं कैसे बनानी है। तो चोली बनाने के लिए भी मैंने 2 तरीके के कपड़े लिए हैं। एक तो नेट का फैब्रिक लिया है जो 6 इंच लंबा है और 2 इंच चौड़ा है। तो इसको लेकर के एक पतली पट्टी ऐसे फोल्ड कर लेंगे 4 उसमें, और इसको सिल लेंगे। और इसी तरीके से मैंने जो हमारी जो लेस लगाई थी ब्रोकेट का कपड़ा था, उसको भी हमने 6 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा लिया है। तो दोनों ही कपड़ों को हम बराबर से रख करके सिल लेंगे, और सिलने के बाद इसमें इन दोनों को अटैच कर लेंगे। और जो भी हमारे कपड़े की जो कतरन है वो अंदर रखेंगे, जिससे कि ये ऊपर दिखे ना और देखने में अच्छा भी लगे। तो इस तरीके से मेरी हमारी चोली एक लंबी पट्टी में तैयार हो जाएगी। और फिर इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। और ये देखिए, हमारी ये चोली बन करके बहुत ही सुंदर सी चोली बन करके रेडी हो चुकी है। हम इसे अलग नहीं कर रहे हैं, हम इस चोली को इसी में अटैच कर देंगे बीच के साइड में। तो आपको एक बीच का जो हमने कट किया है उसी के एकदम सामने सिधाई में, ये देखिए हमारी जो चोली है वो अटैच हो गई है, और कितनी सुंदर लग रही है देखने में, बहुत ही प्यारी लग रही है। चोली का भी एकदम एकदम नया, एकदम अलग लुक आ रहा है।
अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक नब की लेस लगा दी है और इसके किनारे किनारे भी जो है लंबी लंबी ले करके लेस हम लगा देंगे, या आप जैसे भी चाहें वैसे इसे अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। कुछ पैचेस भी लगा सकते हैं, फ्लावर बना करके वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी ड्रेस बन करके रेडी हो चुकी है और बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और बस इसमें आप लेस लगाने से पहले प्रेस कर लें तो ये बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगी और आपकी एक ही हैवी पोशाक बन करके एकदम तैयार है। तो अगर आपको ड्रेस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।